नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। तिल्दा नेवरा से महज कुछ ही किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत सेनौधा के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कुल 135 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से छात्राओं की संख्या 65 है। साथ ही 5 शिक्षकों में 3 महिला शिक्षक हैं, भी यहां पदस्थ हैं। उक्त स्कूल का निर्माण वर्ष 2003 में हुआ, उसके बाद से आज तक उक्त स्कूल में महिला शौचालय का निर्माण तक नहीं किया गया है। एक शौचालय बना है जो पुरुषों के लिए है, जिसे स्कूल के बालक उपयोग करते हैं। आज हमने उक्त स्कूल जाकर वास्तु स्थिति का लिया जायजा, छात्राओं से बात की, शिक्षकों से बात की, जहां पर सभी ने अपना दुखड़ा सुनाया। बता दें कि शौचालय निर्माण की मांग को लेकर उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत कराया भी जा चुका है। वर्तमान में मंत्री टंकराम वर्मा को भी इसके लिखित आवेदन दिया गया, जिसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। उक्त विद्यालय की छात्राओं को बगल में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शौचालय में जाना पड़ता है, तो जहां की स्थिति भी काफी खराब है। बता दें कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिनौधा की छात्राओं को बाथरूम के लिए प्राथमिक विद्यालय के बाथरूम में जाना पड़ता है, जहां पर अभी बरसात के दिन में रास्ते पर पानी भरा रहता है। वहीं आपको बता दें कि पानी से होकर छात्राओं को गुजरना पड़ता है। साथ ही जिस बाथरूम का उपयोग छात्राएं करती हैं, वह भी खुला है, ऊपर छत नहीं है। खुले शौचालय का उपयोग छात्राओं को करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। छात्राओं ने दुखड़ा सुनाया कि उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गाँव के सरपंच लक्ष्मण गिरी से बात करने पर उन्होंने भी कहा कि हमने लिखित शिकायत की है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। गाँव की महिलाओं से भी हमने बात की, जहाँ पर महिलाओं ने भी कहा कि उक्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? लेखिका वर्मा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? आठवीं। आपके विद्यालय में बाथरूम नहीं है? नहीं। तो क्या, किस तरह से आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फैमिली स्कूल नहीं जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा तिवारी है। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? छठवीं। छठवीं में आपके विद्यालय में यहाँ पर बाथरूम नहीं है, तो आपके आप हैं और आप जैसी और कई छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ता है? हम लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और हम लोग प्राथमिक स्कूल में जाते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? आठवीं। आठवीं में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बाथरूम नहीं है आप लोगों के लिए? प्राथमिक शाला में हम लोग को बाथरूम करने जाना पड़ता है। वो भी खुला हुआ है क्या? खुला खुला और सभी तरफ से खुला दिखता है। तो आपने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा बघेल है। कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप? छठवीं क्लास में पढ़ते। छठवीं क्लास में पढ़ते हो। यहाँ पे आपके विद्यालय में बालिकाओं के लिए बाथरूम नहीं है? नहीं है। क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और प्राथमिक विद्यालय के शौचालय में जाना पड़ता है। वो शौचालय भी खुला हुआ है? हाँ। नहीं है ना सर, हम जब से बने हुए शौचालय ही नहीं है। और क्या ना, पंचायत से पैसा आता है, उनसे बनाने सोच रहे हैं, लेकिन क्या है ना, कार्य योजना में नहीं रहता है तो बना नहीं पाते हैं। और हम लोग सरकार को भी आवेदन दे चुके हैं कि मिडिल स्कूल में है शौचालय बनना चाहिए, ऐसा कहकर यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पर हम आज आए हैं, हमने छात्राओं से भी चर्चा किया है, साथ ही यहाँ पर बता दी स्टाफ से भी हमने चर्चा, बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ सर। आप कौन से जनप्रतिनिधि, आप कोई पहल किए हैं यहाँ पे कि बनना चाहिए शौचालय? गुरुजी मैडम लोग बार बार बोले, हम लोग को आवेदन भी दे दिए हैं। 2003 से ये बना हुआ है, और 2003 के बाद से यहाँ पे महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो है ना, दो शौचालय है, एक ही जगह है, वो बालकों के लिए जो शौचालय है, और यहाँ पे आपके विद्यालय की जो बालिकाएं हैं, जो महिला शिक्षक, उनको आपके बगल में जो प्राथमिक शाला है वहाँ जाना पड़ रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।